हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं नमकीन, जो कि होली की हमारी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो मेरी मम्मी बनाती हैं, और मेरी मम्मी को भी किसी और ने सिखाया है। तो आइए सीखते हैं हम इसे बनाना। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे चने की दाल 2 kg। उसको हम अच्छे से धुल करके रात भर भिगो के छोड़ देंगे। और वैसे ही हम लेंगे 1.5 किलो मसूर की दाल, उसको भी हम रात भर भिगो करके छोड़ देंगे, और सुबह उसको अच्छे से स्ट्रेन करके उसको धूप में सुखा लेंगे दोनों दालों को। तो मसालों के लिए हम लेंगे यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, 2 खड़ी इलायची और थोड़े से 10-12 काली मिर्च के दाने, और उसको हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम लेंगे यहाँ पे 2 किलो बेसन, उसमें हम उसको चाल करके अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। हम इसका सेव बनाएंगे, जो नमकीन में मतलब जो बेसिक इन्ग्रीडियंट होता है सेव, तो हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच मतलब हल्दी, 1.5 स्मॉल टीस्पून हल्दी, और उसके बाद हम डालेंगे एकदम थोड़ी सी हींग और लाल मिर्च का पाउडर। आप जितना तीखा खाते हो आप उतना डालिए, और यहाँ पे मेरी मम्मी ने 1 चम्मच डाला था। और उसके बाद हम जो ग्राउंडेड मसाला है, जो हमने मसाले पीसे थे, वो डालेंगे हम उसमें से सिर्फ 1 चम्मच लेकर के। और हम एटलीस्ट 250 ml जो है सरसों का तेल डालेंगे, और उसको आटे में अच्छे से बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम उसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो तेल है उसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा सा और ऐड किया है, वो 250 ml ही है पूरा जो क्वांटिटी था। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उससे हमें उसके बाद हमें उसका एक आटा गूंदना है जो थोड़ा गीला रहेगा, मतलब क्योंकि हमें उसकी नमकीन बनानी है। तो सामने के बाद उसको अच्छे से पानी से करके उसको आपको रख देना है थोड़ी देर। उसके बाद आपको ऐसी नमकीन बनाने वाली मशीन लेनी होगी, बाज़ार में मिल जाएगी आराम से। तो सबसे पहले हम आटे को ऐसे जैसे बड़े बड़े लोई जैसे बना करके उसमें डालेंगे, पर आपका उसको गीला कर करके डालना है ताकि वो आराम से मशीन में से निकले। आप उसमें डालिए और हाथ में पानी लगा लगा के डालते रहेंगे, तो वो आराम से उसमें से निकलेगी। और फिर आपको कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करना है। मोस्टली सब कुछ जिसमें सरसों के तेल में बनेगा तभी उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। फिर सरसों के तेल में उस मशीन को घुमाते हुए चलाना है। ये ही थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। अगर आपके घर में कोई बड़ा हो जिससे आप ये करवा सकते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मोटे छेद वाली जो जाली है ना वो इस्तेमाल की है। उसके बाद हम बाकी जो है पतली जाली से बनाएंगे। उसके बाद आप उसको फ्राई करेंगे, जब बबल्स कम हो जाएं तेल में आना, तो आप उसको पलट दीजिए एक बार दूसरी साइड से, और फिर उसको इसमें से कढ़ाई में से निकाल लीजिए। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होने वाला है, और हम क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि होली पे बना रहे हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही बनती है। उसी तरह हमने यहाँ पर जो महीन वाली एकदम जाली होती है वो इस्तेमाल की है, और अब बाकी के जो है हम सब महीन ही बनाएंगे। तो 2 kg बेसन का आपका बहुत आराम से बहुत ज़्यादा नमकीन बन जाता है। हमारे यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा बनती है क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत लोग को देना भी होता है, तो इसलिए ज़्यादा बनी थी। और वैसे ही हमें इसको फ्राई करके निकालेंगे, जब बबल्स कम हो जाए तो आप पलट दीजिए, उसके बाद उसको निकाल लीजिए। उसी तरह उसी सरसों के तेल में हमें जो वो सुखाए हुए चने की दाल है और मसूर की दाल है, दोनों को जो है हमें फ्राई करना है, और थोड़े थोड़े बैचेस में फ्राई करना है, वरना तेल जो है वो बाहर आने लगेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा डाल करके फ्राई करना है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है, और हमारी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए भी हमें बहुत टाइम लगा। अगर आप कम बना रहे हैं तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, पर आपको ये थोड़ा थोड़ा डाल करके ही फ्राई करना है। और जब वो चने की दाल जो ऊपर आ जाए उसमें से आवाज़ आने लगे डालते वक्त, तो इसका मतलब आपका चना और मसूर दाल जो है फ्राई हो गया, तब तक आपको फ्राई करना है। उसी तरह हमने सारे जो चने की दाल है, मसूर की दाल है, सब फ्राई करके पहले एक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि सारा जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद हमने उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया। उसी तरह हमने मसूर की दाल भी तली, और अब जो है हम कम से कम 1.5 किलो मूँगफली जो है वो फ्राई करेंगे। मूँगफली जैसे नॉर्मली हम फ्राई करते हैं वैसे ही करना है। जब वो हल्की सी उस पर ब्राउन लेयरिंग आ जाए आपको उसको उसमें से निकाल लेना है। उसी तरह हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 kg मूँगफली फ्राई की है, और आपका तेल बर्बाद नहीं होगा, सब उसी तेल में हो जाएगा। और फिर हमने जो है चूड़ा लिया, यानी फ्लैटेंड राइस जो होता है वो लिया है, थोड़ा सा 2 स्मॉल बाउल लिया था, वो उतना बहुत एनफ होता है। ये ऑलमोस्ट बहुत सारा तेल सोख लेता है,
और आपको दो स्मॉल बाउल्स जो होते हैं उसको, उसके बाद हमने कुछ सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च उसी तेल में फ्राई करके आपको निकाल लेना है। हम उसमें ऊपर से डालेंगे जो हम नमकीन बनाएंगे, तो इसको हमने निकाल लिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शादियों वगैरह में नमकीन बनती है ना, वैसे है। उसके बाद जो लास्ट में जो थोड़ा सा तेल बचा है, उसी तेल में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ऑलमोस्ट एक छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, और जो पिसे हुए मसाले जो बचे हुए थे वो डालेंगे, जो हमने जीरा, काली मिर्च और इलायची पिसी थी वो, थोड़ी सी जो बची थी वो डाल करके उसको चलाएंगे। उसके बाद जो चने की दाल हमने तली थी वो हम उसमें डाल के उसको मिक्स कर देंगे, ताकि वो जो मसाला है उसमें कोट हो जाए। आपको उस मसाले को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बहुत ज़रा सा, बस हल्का सा उसका जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाए। उसके बाद जो वो चने की दाल है जो फ्राइड की हुई थी वो डालना है, और उसको आपको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जो है हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, हमने यहाँ पे बड़ा सा टब लिया था क्योंकि क्वांटिटी हमारी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने जो सेव बनाए थे अब हम उसको तोड़ेंगे। और सबसे सेटिस्फैक्टरी पार्ट होता है ये पूरे प्रोसेस का, क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है इसको बनाने का, पर अगर आप कम बनाएंगे तो उतना नहीं लगेगा। फिर जो हमने चने के दाल और मसाले मिलाए थे वो हम डालेंगे इसमें। अब बेसिकली हमें सारी चीज़ें इसमें मिक्स करनी है, ऐड ऑन करनी है, और उसको मिक्स करने के बाद हमारी नमकीन तैयार हो जाएगी। फिर जो है मसूर की दाल जो हमने फ्राई की थी और वो डालेंगे। उसके बाद हम जो है तली हुई जो मूँगफलियाँ थी वो उसमें डालेंगे। और अब हमें कुछ ड्राई मसाले डालने हैं, बेसिकली सिंपल आपको काला नमक डालना है। आप ये सब अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जैसा आप खाते हैं नमक ऊपर नीचे, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, और हल्का सा चाट मसाला डालना है। फिर ये आप मिलाने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ ऊपर नीचे करनी हो, बढ़ानी हो, कम, मतलब कम तो नहीं कर सकते, पर आप कम ही डालिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप अगर आपको बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। तो फिर उसमें हमने चाट मसाला डाला, अब सब कुछ जो है मिक्स कर देंगे। और हमने इसमें थोड़ा सा सॉरी नमक पारे डाले हैं, जो हम बनाते हैं नॉर्मल नमक पारे, वो ऐड करके। चूड़ा अभी आपको बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, वरना चूड़ा सारा टूट जाएगा। तो पहले आप सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, फिर जब आप चूड़ा डालें तो उसको हाथ से मिलाना है। फिर जो हमने वो जो तली हुई लाल मिर्च थी सूखी वाली वो डालनी है, और उसके बाद हम चूड़ा डालेंगे, और उसको बहुत ही बस हल्के हाथ से आपको हल्का हल्का, मतलब ऊपर नीचे कर देना है, नहीं तो अगर आप ज़्यादा उसको मिक्स करेंगे ना तो फिर वो चूड़ा जो है टूट जाएगा। और अब हमारी नमकीन एकदम फटन से रेडी, आप इसको बना के ऑलमोस्ट 1-1.5-2 महीने स्टोर कर सकते हैं अच्छे एयर टाइट कंटेनर में, और अपने गेस्ट को खिलाइए होली पे, या फिर आप ऐसे भी खिला सकते हैं, सबको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना, और शेयर भी करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू।